असलम डियर स्टूडेंट्स एंड माई फ्रेंड्स आज जो है हमारा लेक्चर नंबर बारह है लेक्चर नंबर ट्वेल्व है और टॉपिक नंबर जो है एफ चंद से एफ चन की बुक से वो है टू पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री आज जो है हमने मैग्नेटिक मिरर का जो है वो टॉपिक करना है इसके अंदर हम देखेंगे मैग्नेटिक मिरर क्या है एनिमेशन के थ्रू भी और डायग्राम में भी मैं आपको बताऊँगा कि एक मैग्नेटिक मिरर क्या होती है ये जो मैग्नेटिक कॉयल्स हैं क्या होती हैं और कैसे जो है हमारा जो प्लाज्मा का चार्ज पार्टिकल होता है वो यहाँ पे कन्फाइन हो जाता है या ट्रैप हो जाता है इस मैग्नेटिक बॉटल के अंदर ये जो आप देख रहे हैं इसको मैग्नेटिक बॉटल कहते हैं तो चैप्टर नंबर है हमारा टू सिंगल पार्टिकल मोशन और इसी सिंगल पार्टिकल मोशन को आज हम देखेंगे कि हमारी जब ग्रेडियंट जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जब पैरेलल होगी हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के तो जो हमारे पास जो कन्फाइनमेंट या जो पार्टिकल का मोशन होगा सिंगल पार्टिकल जो पॉजिटिव एक पार्टिकल होगा उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा ठीक है तो बुक हमारी है फ्रांसिस एफ चैन की इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा फिज़िक्स एंड कंट्रोल फ्यूजन बुक की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा अपनी एनिमेशंस के ज़रिए ठीक है ये हमारे लास्ट चैप्टर लास्ट टॉपिक्स हैं बेटा और लास्ट जो है हमने परपेंडिकुलर वाला भी किया और इसकी भी जितनी भी डेरिवेशन है सारी वो वन बाय वन मैंने आपको समझा दिए ठीक है वन बाय वन हम ये कर्व कर्व वाला भी कर चुके हैं आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है मैग्नेटिक मिरर का ठीक है ये अगर देखें आप तो मैग्नेटिक मिरर का अब मैग्नेटिक मिरर क्या होता है बेटा कि आप मैग्नेटिक जो एक बॉटल बनती है वो क्या होती है कि ये एक मैग्नेटिक बॉटल है जब चार्ज यहाँ से बिटा फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे इंटर होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो क्या आपको पता है कि जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है अगर मेरे आप लेक्चर स्टार्टिंग से ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो वो इस तरह से जायरेशन करनी शुरू कर देता है ठीक है वो इस तरह से जायरेशन करता है तो अब क्या है कि यहाँ पे जब चार्ज एंटर होता है तो वो जायरेशन करता है वो करते हुए यहाँ से यहाँ तक जाता है और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है बेटा या आप कह लें कि जो ग्रेडियंट चेंज है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चेंज है मैग्नेटिक फील्ड में जी डायरेक्शन के अंदर उसकी वजह से क्या होता है कि वो यहाँ से बाहर जाने के बजाय यहाँ से बाहर जाने के बजाय टकरा के जो है वो वापस जायरेशन करते हुए यहाँ पे आता है और फिर यहाँ से दोबारा जो है वो टकरा कर यहाँ पर क्या करता रहता है ऑसिलेट करता रहता है मूव करता रहता है अब ये ऐसे क्यों होता है इस मैग्नेटिक बॉटल को हम कैसे बना सकते हैं ये जो है वो मैथमेटिकली भी हम प्रूव करेंगे कि कैसे जो है ये ये जो है सारी ऑसिलेशन होती है और इस सारे फिनमना को समझेंगे आज के लेक्चर के अंदर तो इससे पहले जो है हम थोड़ी सी देख लेते हैं बेटा अपनी जो है वो एनिमेशन को और एनिमेशन से चेक करते हैं कि आपकी ये जो मैं पार्टिकल की आपको मोशन बता रहा हूँ वो कैसे होती है तो ये देखिए बेटा आपके पास एक पार्टिकल है वो जा रहा है ठीक है उसकी विलासिटी कंपोनेंट्स जैसे जैसे चेंज होते जा रहे हैं फ्लैमन राइट हैंड रूल से ऐसे ऐसे जो है उसकी फोर्स जो है वो भी चेंज होती जा रही है अब क्या होता है बेटा कि जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अगर आप देखें बेटा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थी ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी ये टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रही थी इसके अंदर कोई चेंज नहीं था लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा यहाँ पे आपने देखी तो ये कन्वर्ज हो रही हैं ये क्या हो रही हैं सॉरी मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम है बेटा तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा ये जो है यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं जो फील्ड लाइंस हैं हमारे पास अगर मैं यहाँ पे जो है वो ड्रॉ uh, करूँ तो अगर आप देखें बेटा तो हमारी मैग्नेटिक बॉटल जो है वो इस तरह से होती है है, वो इस तरह से ना बॉटल की शक्ल में और इस तरह से होती है ठीक है कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो दूर दूर होती हैं यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती हैं बेटा दूर दूर होती हैं अगर अगर आप बात करें आ, ये दरमियान में तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रांग होती हैं यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रांग होती हैं अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज होती है अब ये पार्टिकल है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर कुछ ये इलेक्ट्रिक चार्ज है जब ये मूव करेगा तो ये एक करंट जनरेट जो मूविंग चार्ज जो है वो करंट होता है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रीजन के अंदर मूव करती है तो उसके गर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन uh, में और उसके बाद आपने जो है वो मैक्सवेल इक्वेशन में पढ़ा होगा कि कर्ल ऑफ ईज इक्वल्स टू माइनस पार्शन बी बाई पार्शन टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में जो है वो क्या होती हैं बेटा एक दूसरे के साथ जनरेट हो जाती हैं ठीक है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज करते मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट की जा सकती है तो अब क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है बेटा यहाँ पे जब मूव कर रहा होता है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में जबकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अगर आप पीछे के रीजन में देखें तो चेंज नहीं हो रहा होता ठीक है चेंज नहीं हो रही होती लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जब ये जो जब कन्वर्ज होती हैं और हमारा जो डेल बी है बेटा यहाँ से अगर आप देखें तो डेल बी जो हमारा है बेटा वो अगर आप देखें तो एक तो पैरेलल है बी के और बी ऑफ जी के इस डायरेक्शन में हमारा जो डेल बी है वो इस तरह से और इस तरह से क्या हो रहा है बेटा चेंज हो रहा है ठीक है इस तरह से हमारी जो अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाए तो यहां पे जो है वो कन्वर्ज होती है यहां पे ज्यादा है और यहाँ पे वो अगर देखें आप सेंटर के रीजन में तो वो फार्दर है यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है ठीक है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है स्ट्रांग है अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बेटा देखें तो अगर मैं आपको यहाँ पे डेरीवेशन के अंदर दोबारा से दिखा पाऊँ तो जब हमारी जो एक एक ये जो फोर्स है बेटा ये जो फोर्स है ये एफ़ ऑफ एक्स की अगर आप बात करें तो एफ ऑफ एक्स जो है वो पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो नहीं यहाँ पे एक ही फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर और ये वेलोसिटी के जरिए यहाँ पे आगे को जा रही है जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा कन्वर्जिंग रीजन में आती है तो यहाँ पे एक एफ ऑफ एक्स जो है वो जनरेट हो जाता है यहाँ पे अगर आप देखें इस मोशन के इस पॉइंट के ऊपर तो यहां पे जो है इसके ऊपर एक फोर्स जो है वो फ्लामिन राइट एंड रूल से अप्लाई होती है जिसकी डायरेक्शन इधर को होती है ठीक है जिसकी डायरेक्शन इधर को होती है अब इधर पहुंची है तो उसकी डायरेक्शन अगर आप देखें यहां पे तो ये रहा अगर अभी इसकी डायरेक्शन आप देखें कहाँ गया बेटा ये रहा अगर इसकी आप यहां पे डायरेक्शन देखें तो ये एक डायरेक्शन इधर को इसकी जो है वो ठीक है ये इस डायरेक्शन में एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ ऑफ एक्स बेटा क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ पे एफ जो है वो एक्स एक्सिस के जो अलाडियो मैंने जहां से भी उठाई है बेटा वो यहां पे उनका एक्स डायरेक्शन है लेकिन हमारा ये जो है बेटा वो एक्स जो है नहीं होगा हमारा जी होगा एफ ऑफ जी होगा हमारा जो मोशन है और जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई है वो जी के अलॉन्ग हुई है इनकी जो है वो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे आप कह सकते हैं ये एफ ऑफ एक्स नहीं एफ ऑफ जी है अब इसके नतीजे में क्या होता है बेटा अगर आप देखें इसको तो इसके नतीजे में क्या होगा आपका ये पार्टिकल यहाँ से जो है वो टकरा के वापस आ गया इन, एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई जिसकी डायरेक्शन जो है वो क्या थी ऑपोजिट थी और उसने क्या किया उस पार्टिकल को जो है वो वापस जो है वो क्या कर दिया रिपेल कर दिया ठीक है हम इसकी इक्वेशन को भी देखेंगे हम मैग्नेटिक मूवमेंट मूवमेंट को भी पढ़ेंगे ठीक है उससे पहले जो है आप इसको देख लें कि ये कैसे जो है वो मूव करता है इसके बाद जो है हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं ठीक है ये ये देखिए बेटा अब से वापस टकरा के चला गया ठीक है और ये जो फ्लैम राइट एंड रूल है बेटा इसके इसके साथ जो है क्या वेलोसिटी कंपोनेंट और फोर्स कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं दोनों चेंज होते जाते हैं और जिससे वो क्या करता है कि आगे को जो है वो मूव करती है ठीक है वी पैरल जो है वो ड्रिफ्ट प्रोवाइड करती है वी परपेंडिकुलर की वजह से वो क्या करती है जायरेशन करती है ठीक है तो इस तरह से क्या है कि एक मैग्नेटिक बॉटल बनती है आपके पास बेटा अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें और इसी के साथ जो है अगर देखें आप तो ये आपके पास जो है वो जायरेशन हो रही है ये जो आप देखें तो ये सारी जो है मोशन हो रहा है अगर सर्कुलरली देखें तो वो इस तरह से मूव करता है और अर्थ जो है अगर आप देखें अर्थ के केस में तो अर्थ के केस में भी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं बेटा वो यहाँ से जब मूव करके जाती हैं तो ये सेंटर में जो है वो फील्ड लाइंस जो हैं वो दूर होती हैं जैसे जैसे आप पोल्स के करीब जाते हैं नॉर्थ या साउथ आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं जिस वजह से जो आपकी जो वेव होती है बेटा वो टकरा के वो यहाँ से देखें अगर आप तो टकरा के जो है वो क्या आ जाती है वापस आ जाती है तो ये एक मैग्नेटिक जो है वो मिरर का इफेक्ट हमारी अर्थ के अंदर भी होता है इस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं आप कह सकते हैं कि वो अर्थ की सरफेस में इस तरह से ट्रैप हो जाती है तो ये तो था बेटा हमारा मैग्नेटिक मिरर का ओवरव्यू और हमने समझा कि मैग्नेटिक मिरर जो है वो क्या है किस तरह से वर्क करता है आई होप सो आपको जो है वो समझ में आ गया होगा ये एक रीज़न है जो उसकी वेव्स का बन जाता है फील्ड का बन जाता है बेटा अब चलते हैं हम अपनी डेरीवेशन की तरफ अपनी डेरीवेशन की तरफ पेपर में आप जो है ये deriv, ये भी डेरीवेशन बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं अब ये मैग्नेटिक बॉटल बनाई कैसे जाती है पहला सवाल सबसे पहले कि मैग्नेटिक बॉटल ये जो फील्ड्स हैं ये बनाई कैसे जाती हैं तो आपको पता है कि सॉलिनॉइड क्या होता है बेटा सॉलिनॉइड के अंदर क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है बाहर भी होती है और अंदर भी होती है तो अब इस तरह करें हम कि हम जो है वो डिफ ये कहाँ गया हम जो है वो डिफरेंट जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ सॉलिनॉयड बनाएं बेटा ठीक है और जिसके अंदर आप देखें बेटा तो मैंने जो साइड पे कॉल्स रखी हैं वो करीब करीब हैं बेटा उन पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ये सेंटर वाली तो अगर मैं आपसे पूछूं कि के किस केस के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप कह सकते हैं सर कि जो साइड वाले केसेज़ हैं जो साइड वाली हमारी डाइग्राम्स uh, हैं उनमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होगी ऐसा ही है तो इस तरह से जो है वो हम डिफरेंट कॉयल्स को यूज करके ठीक है डिफरेंट नंबर ऑफ जो है वो जो टर्न्स हैं कॉयल्स के ऊपर और जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे हमने स्ट्रांग रखनी है ठीक है और फिर सेंटर में वीक ठीक है और फिर यहाँ पे जो है वो हमने स्ट्रॉन्ग रखनी है तो इस तरह से हम जो है वो इन जो है इसके मैग्नेटिक बॉटल जो है वो एक बना सकते हैं ठीक है थीके? जो बना सकते हैं ठीक है यहाँ पे ये जो कॉयल्स होती हैं इनको कहते हैं बेटा मैग्नेटिक मिरर्स इनको हम क्या कहते हैं बेटा मैग्नेटिक मिरर्स ठीक है दोनों तरफ ये जो है हम हम इनको कहते हैं मैग्नेटिक मिरर्स अब किस तरह से सारा ये वर्क होता है आ, वो तो हमने समझ लिया अब चलते हैं बेटा अपनी डेरिवेशन की तरफ और डेरिवेशन हमारी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होती है जब हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ते हैं तो हमारी हमेशा मैं लॉरेंस फोर्स से ही अपनी जो डेरिवेशन है उसको स्टार्ट करता हूँ तो बाय यूजिंग लॉरेंस फोर्स क्योंकि लॉरेंस फोर्स में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लिखेंगे नहीं तो उसको जीरो कर देंगे बाय यूजिंग लॉरेंस फोर्स ठीक है आप सिंपली यहाँ पे जो है वो लोरेंस फोर्स की जगह मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं क्यों क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा क्यू इन टू ई प्लस वी क्रॉस बी ठीक है और यहाँ पे हमारे पास हमने जो है वो केस जो है वो हमने यहाँ पे कुछ कंडीशन हैं पहली तो जो है वो ये है कि ई e जो है हमारे पास जीरो है हमने ई e जो है वो इसके उप, इस केस इस के अंदर अभी जो है ना हमने पढ़ा बेटा ना मैंने आपको कहा कि ई जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और ना जो है आप कहें तो ई का यहाँ पे कोई अभी जो है अभी तक हमने जो है वो कॉन्सेप्ट को पढ़ाया कि ई जो है वो इन्वॉल्व है तो ई यहाँ पे जीरो थी उसके बाद आपने यहाँ पे एक और देखना है कि हमने जो है वो आज पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो अपनी डेरिवेशन करनी है पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे पास कार्टिसियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है एक्स होता है वाई होता है और जी होता है लेकिन पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास आर होता है थीटा होता है और ठीक है रेडियल कंपोनेंट होता है बेटा एंगुलर कंपोनेंट होता है और उसके बाद एजिम्यूथल जो है वो कॉम्पोनेंट होता है ठीक है तो इसके अंदर जो हमारे पास बी ऑफ थीटा है हमारे पास बेटा वो जीरो है यानी कि हमारे पास जो बी जो है वो एंगल uh, की रिस्पेक्ट से अगर थीटा की रिस्पेक्ट से uh, देखें तो वो कहता है आपकी फ्रेंसिस एफ चैन की अगर आप बुक देखें तो वो कहता है कि सिमिट्री है ठीक है सिमिट्रिकल है एक्सेस सिमिट्री है यानी कि एक ही एक्सेस के अलॉन्ग जो है वो बी हमने जी की है और वो उसके अंदर एक्सेस का कोई भी यहाँ जो है वो चेंज नहीं आ रहा एक्सेस सिमिट्री है बेटा तो हमारे पास क्या ये टर्म जो है हमारे पास ई e वाली जीरो हो जाएगी तो F विल बी इक्वल्स टू q इन टू वी क्रॉस बी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्यों लेंगे क्योंकि बेटा आज जो है वो हमारा स्फेरिकल मोशन है और कार्टिशियन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ठीक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो अब हमने क्या करना है हमने जो है वो बी क्रॉस बी को फाइंड आउट करना है क्योंकि पहले जो हम वी क्रॉस बी फाइंड आउट करते थे वो तो एक्स वाई जी की रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करते थे आज जो है हमारे कंपोनेंट्स और हैं आर थीटा और जी है हमारे पास ठीक है आर थीटा और क्या है बेटा जी है तो ये जो आर थीटा और जी वाले हमारे पास कंपोनेंट हैं यहाँ पर क्या होगा वी ऑफ आर वी ऑफ थीटा और वी ऑफ जी यहाँ पर क्या होगा बी ऑफ आर बी ऑफ थीटा एंड बी ऑफ z। अब जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो है बेटा वो जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आएंगे वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली uh, पुट करके आपको बताता हूं क्यों के, के साथ सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना तो आपकी वो जो है वो इक्वेशन आ जाएगी वो पहली आएगी जो आर के साथ फैक्टर आएगा फॉर्म आपकी जो आएगी वो आएगी यहाँ पे वी ऑफ थीटा बी ऑफ जी माइनस बी ऑफ थीटा वी ऑफ z आसान है बेटा दोनों की जगह जो है वो चेंज हो जाएंगे आपको वैसे भी याद भी हो जाएंगी ठीक है उसके बाद यहाँ पे आप लगा लें प्लस q इंटू माइनस वी आर बी जी प्लस वी जी बी आर वी जी बी आर और यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस अगर आप प्लस डाल लें तो अंदर जो है वो माइनस लगा दें माइनस क्यू वी थीटा बी ऑफ यहां पे आएगा जी वी ऑफ सी इंटू जी यूनिट वेक्टर बी ऑफ आर बेटा यहाँ पे जी नहीं आर आता है ठीक है माय बैट अब मैंने आपको एक चीज बताई बी ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो बी ऑफ थीटा व्हाट इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो सबसे पहले इसको कॉम्पोनेंट्स में लिख लें अगर मैं आपको यहाँ पे कॉम्पोनेट्स के अंदर पहले लिख के दे देता हूँ इक्वेशंस यहीं पे बना लेते हैं कि अगर मैं इसको एफ को जो है वो एफ ऑफ आर ठीक है आर यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग प्लस एफ ऑफ़ थीटा थीटा यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग प्लस एफ ऑफ जो है वो यहाँ पे क्या है जी z यूनिट वेक्टर के अलोंग ड्रा करूं तो ये ये जो है कंपोनेंट्स में आपस में जो है वो कंपेयर कर सकता हूं यहाँ पे जो है वो थीटा था ठीक है तो यहाँ पे जो है मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं तो मेरी जो पहली इक्वेशन आएगी f ऑफ r के लिए वो आएगी बेटा v थीटा b ऑफ z minus b थीटा v ऑफ z v थीटा b z ये b थीटा v z है ठीक है उसके बाद f ऑफ अगर मैं बात करूं f ऑफ थीटा की तो वो मेरे पास क्या आता है माइनस वी आर बी ऑफ जी प्लस वी जी बी ऑफ आर और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ जी की तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो आती है माइनस क्यू वी थीटा बी ऑफ आर ठीक है तो ये इक्वेशंस कुछ आ गई मेरे पास इक्वेशन का नाम दे दें आप वन इसको नाम दे दें टू इसको ये वाला वन दे दें ठीक है और इसको जो है वो ये वाला टू दे दें और इसको जो है वो इक्वेशन रोमन में जो है वो दे दें वन टू थ्री हम जो है वो आगे इक्वेशन को दे देंगे दे, ठीक है तो इक्वेशन वन टू थ्री जो है वो हमारे पास आ चुकी है ठीक है वो जो इक्वेशन है हमारे पास आ चुकी है अब इस इक्वेशन को आ, मैं आपको जो है वो समझाता हूँ कि ये इक्वेशन जो है आपकी बुक में फ्रांसिस एफ फ्रांसिसन में इसको वो वन कह देता है इसको कह देता है टू इसको टर्म को कह देता है थ्री और इसको कह देता है फोर अब चलते हैं बुक की तरफ और मैं बताता हूँ कि हमने कहाँ तक जो है वो अब तक पढ़ लिया है यहाँ पे और हमने कौन सी क्वेश्चन जो है वो ड्राइव कर ली हैं और इससे आगे हमने फिर क्या करना है तो चलते हैं बेटा फ्रांसिस एफ चैन की बुक की तरफ तो ये रहा बेटा टॉपिक हमारा टू और यहाँ पर जो है वो हमारा था कि ग्रेडियंट क्या है पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के और जो मैंने आपको बताया कि एक्सेस सिमेट्री है बी टीटा इज इक्वल टू जीरो है यानी कि टीटा की रिस्पेक्ट से कोई चेंज नहीं आ रहा टीटा की रिस्पेक्ट से जो है वो कॉन्स्टेंट है उसके बाद जो लाइन कन्वर्ज और डाइवर्ज होती हैं मैंने आपको बता दिया देर इज अ नेसरी कम्पोनेंट ऑफ रेडियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है जिसको हम अभी ड्राइव आगे जो है वो डिस्कस करेंगे सॉरी बेटा मेरा थोड़ा सा आई हैव अ बैड थ्रोट सो थ्रो टुडे तो उसके बाद जो है वो एक और चीज़ बेटा कि वो कहता है कि जो ये सेंटर में पार्टिकल आता है बेटा तो वो जो है वो वो इस्केप कर जाएगा हमारी जो यहाँ पे जो ट्रैपिंग होगी हमारी जो कन्फाइनमेंट होगी वो जो है वो परफेक्ट नहीं होगी ठीक है यहाँ पे एक स्टूडेंट का जो है वो मेरे से क्वेश्चन भी था ठीक है उसका जो है वो कमेंट भी मैं आपके साथ एट दी एंड ऑफ द क्लास शेयर करूँगा उसने मुझसे कमेंट किया है मेरे दूसरे चैनल के ऊपर लर्न डेली फिज़िक्स पे तो उसके क्वेश्चन का आंसर भी मैं करता हूँ ठीक है एट दी एंड तो ये है बेटा एफ ऑफ आर एफ ऑफ थीटा एफ ऑफ सी हमारी इक्वेशन वन टू थ्री अब बी ऑफ थीटा जीरो होने की वजह से ये तो चीज़ हो गई जीरो ये मैंने आपको कहा कि ये वन वाली इक्वेशन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है यहाँ पे भी बी ऑफ थीटा वाली ज़ीरो हमारे पास जो है वो यही इक्वेशन एक बची है जो मैंने लिखी है तो अब वो कहता है कि ये जो है इक्वेशन टर्म uh, जो है वो बी ठीठा तो वैनिश कर जाएगी क्योंकि जीरो के बराबर है उसके बाद अगर आप देखें वन टू राइज़ द यूज़ ऑफ लार्मर जायरेशन अगर वो आप कहते हैं कि लार्मर जायरेशन सिंपली ये जो वन और टू हैं ये सिंपली जो है वो बी जी के अलॉन्ग है दोनों और दोनों जो हैं वो क्या जायरीशन के बारे में बता रही हैं जो है वो लार्मर मोशन -er जो आपकी जायरेशन होती है जैसे मैंने आपको बताया ये सिंपली उसको डिस्कस करती हैं ठीक है तो तीसरी जो है वो जो है वो एजमित के बारे में है ठीक है तो वो रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग जो हमारी फोर्स है उसके बारे में बात करती है जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं और जिसको हमने पढ़ना है जो हमारे मकसद की चीज़ है वो है एफ़ ऑफ जी क्योंकि एफ़ ऑफ जी जो है बेटा हमने जो है वो पढ़ी मैंने आपको बताया कि एफ़ ऑफ़ जी ही जो है वो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के बाद टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज होने के साथ साथ जो है वो क्या होता है हमारे पास Uh, उसकी चेंजिंग की वजह से ही जो है वो हमारे पास जो है वो uh, जो है वो रिफ्लेक्शन होती है पार्टिकल की तो उसको पढ़ने के लिए एफ ऑफ सी का हमारा पढ़ना बड़ा ज़रूरी है वो कहता है द टर्म फोर इज़ द वन वी आर इंटरेस्टेड इन ठीक है टर्म फोर जो है ये जो चौथी टर्म है हम हम इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं और वो क्या है वो ये है अब जो है इसने जो है वो इस इक्वेशन की जगह बी ऑफ आर की जगह ये पार्शल बी जी जो है वो पार्शल uh, जी लिखा है ये कैसे लिख दिया यहाँ पे कुछ और टर्म्स भी इंक्लूड की हैं ये कैसे लिखी हैं आइए देखते हैं बेटा कि ये इक्वेशन जो है कैसे आई है ठीक है इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद हम जो है अपना फर्स्ट पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर लेंगे और सेकेंड पार्ट में जो है फिर इसकी डेरीवेशन को आगे करेंगे तो आइए देखते हैं बेटा अपनी स्लाइड्स की तरफ कि इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट कहाँ तक आता है तो एफ ऑफ जी जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया हम आगे अपनी स्लाइड की तरफ तो एफ ऑफ जी इज इक्वस टू वाट लिख लेते हैं बेटा कि एफ ऑफ जी इज इक्वस टू माइनस क्यू वी नॉट क्यू वी नॉट बी आर क्यू वी नॉट वी नॉट नहीं बेटा वी थीटा बी आर ये बी थीटा है ठीक है वी आर जी अब जो है हमने फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे बी ऑफ आर की वैल्यू अगर आप देखें तो ये बी ऑफ आर की वैल्यू क्या है वी हैव टू फाइंड दैट टू फाइन दैट बेटा हमें क्या करना पड़ेगा हमें जो है वो आप कह लें तो कुछ पुरानी हमारा कॉन्सेप्ट है आ, जो हमने इलेक्ट्रोडाइनमिक्स के अंदर पढ़ा ठीक है कि हमने पढ़ा था बेटा गॉजेज लॉ ठीक है और उसी को हमने इस्तेमाल करना है यूजिंग दी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉजेज लॉ ठीक है आप देख लीजिएगा गॉजेज का जीप बड़ा होता है कि छोटा होता है गॉजी ला यूजिंग द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉजि लॉ अभी गॉजे ला की डिफरेंशियल फॉर्म क्या है डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इसकी इंटीग्रल भी होती है ठीक है ये डिफरेंशियल फॉर्म है मैगनेटिज्म फॉर यहाँ पर आप आगे लिख भी सकते हैं फॉर मैगनेटिज्म क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होता है और जो होता है डेल डॉट इज इक्वल्स टू रो ओवर एपसी नॉन नॉट ठीक है आपने लेपलेस इक्वेशन और वो जो है मेरे अपने जो हैं वो इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के जो टॉपिक हैं उसके अंदर आप पढ़ लेंगे है। जो है वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो लर्न डेली फिजिक्स पे भी अपलोड हैं और जल्दी जो है वो यहाँ पे भी सारे अपलोड हो जाएंगे तो आप उसको देख सकते हैं बेटा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक जो मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है कि सिर्फ सिंपली जो है वो इसका फिज़िकल मीनिंग यही है कि जो है हमारे पास अग, नॉर्थ अगर पोल है तो साउथ पोल उसके साथ हो गई होगा कभी ऐसे नहीं है कि अगर आप मगनतीस को तोड़ें तो वो सिर्फ नॉर्थ पोल आपके पास आ जाए जैसे ही आप मगनतीस के दो हिस्से करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ जो है वो अपने खुद से बना लेता है तो सिंगल मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये तो इक्वेशन है हमारे पास इसको अगर हम पोलर फॉर्म के अंदर पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं इन पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बेटा अगर हम इसको लिखते हैं पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर तो वो हमारे पास क्या आएगी समझिएगा बेटा पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक होता है आर एक क्या होता है आर और एक हमारे पास होता है वन ओवर आर पार्शल एक होता है थीटा पार्शल बाय पार्शल थीटा बी ऑफ थीटा उसके बाद प्लस पार्शल बी ऑफ जी ओवर पार्शल जी पार्शल बी ऑफ जी ओवर पार्शल जी अब देखिए बेटा ये जो तो फर्स्ट टर्म है ये तो बी ऑफ थीटा होने की वजह से सारी टर्म जो है वो हमारे पास जीरो के बराबर हो जाएगी सारी टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो के बराबर तो पीछे क्या बची पीछे जो हमारे पास बच गया वो बच गया वन ऑवर आर पार्शल बाई पार्शल आर आर ऑफ बी प्लस वन ओवर आर ये तो हमारे पास जीरो हो गई ना बेटा टर्म तो पीछे जो हमारे पास टर्म बची वो बची पार्शल बी ऑफ जी ओवर पार्शल जी इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो ये टर्म जो है वो हमारे पास बेटा बच गई ठीक है अब इस टर्म को जो है वो हमने क्या करना है यहाँ से जो है वो बी ऑफ आर जो है वो फाइंड आउट करना है यहाँ पे जो है आप पेन यहाँ पे आप लिख लें कि ये आर कंपोनेंट था ये थीटा था ये जी था ये आपका आर है तो ये जो बी ऑफ आर है हमने इसकी वैल्यू जो है ये यह वाली यहाँ पे पुट करनी है तो इसको फाइंड आउट करना है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं इस टर्म को जो है वो यहाँ पे सेपरेट करने के लिए इस तरफ ले जाता हूँ तो वन आवर आर पार्शल बाय पार्शल आर इनटू आर बी ऑफ आर इज इक्वल्स टू माइनस पार्शल बी ऑफ जी ओवर बा पार्शल जी यहाँ पे आर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैं जो है इसको यहीं पे यहीं से आर जो है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ आपने अगला स्टेप करना है तो यहाँ पे r मैंने लिख दिया ठीक है यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया r लिख दिया अब आप देखें बेटा कि यहाँ पे बच गया मैंने ये पार्शल r जो है ये भी इस तरफ ले जाता तो यहाँ पे आप लिख लें पार्शल r b ऑफ r इज इक्वल्स टू माइनस पार्शियल b ऑफ z ओवर पार्शियल z इनटू r पार्शियल r ठीक है अब मैं क्या कर दूं अगर इस दोनों को इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई कर दूं ये तो चेंज है पार्शियल यानी कि मतलब बेटा अगर ये चेंज है आर बी ऑफ आर के अलोंग तो ये चेंज आप कर लें इसको लिमिट्स अगर आप पुट करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो आपके पास सिंपली आर बी ऑफ आर के बराबर आएगा ठीक है आप कह लें कि सम इंटीग्रेशन आपने जो है अगर अप्लाई कर दी तो वो सारे चेंज जो है वो ऐड होकर जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आ जाती है उसके बाद अगर इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे r भी है तो यहाँ पे आपके पास एक तो माइनस पार्शल बी जी ओवर पार्शल z जो है वो अलग से आ जाएगा इंटीग्रल जो है आप अगर यहाँ के बजाय यहाँ पे अप्लाई करें तो वो जो है वो आएगा यहाँ पे r स्क्वेयर ओवर टू आर स्क्र ओवर टू ये r कट जाएगा इसके साथ ये r कट जाएगा इसके साथ तो हमारे पास जो आ गया बी ऑफ आर की जो वैल्यू आई है तो बी of आर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक अलग से कलर के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर में तो बी एफ आर जो हमारे पास आई है वो आ गई है माइनस पार्शल बी ऑफ जी बाय पार्शल जी आर बाय टू ठीक है तो हमारे पास बी की क्या वैल्यू आ गई है बेटा बी की वैल्यू आ गई है माइनस आर बाय टू पार्शल बी ऑफ जी बाय पार्शल जी तो अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ तो ये मेरे पास बेटा किसके बराबर आ जाएगा माइनस क्यू वी थीटा वी थीटा आर ठीक है ओवर टू पार्शल बी ऑफ जी ओवर पार्शल जी तो ये हमारे पास जो है बेटा वो इक्वेशन हो गई है फाइंड आउट एफ ऑफ जी की और एफ ऑफ जी की क्या वैल्यू आई है एफ ऑफ जी इज़ इक्व टू एफ ऑफ जी इज़ इक्व टू माइनस क्यू वी टी आर माइनस क्यू वी टी आर बाय टू ये हमारे पास टू है मल्टीप्लाई बाय पार्शल बी ऑफ जी ओवर पार्शल जी पार्शल बी ऑफ जी ओवर पार्शल जी तो ये जो है हमारी इक्वेशन है आप इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर वन का ये हमारा जो है वो ये वाला वन है पहले जो थे वो रोमन थे बेटा ठीक है इसको आपने क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर वन का और यही इक्वेशन जो है अब चलते हैं अपनी बुक की तरफ अब देखें यही इक्वेशन जो है वो आपकी इक्वेशन सेम लिखी हुई है टू पॉइंट थ्री फोर के अंदर साइन जो है वो नेगेटिव आता है तो जिस वजह से हमने नेगेटिव साइन लिखा है आगे जो है वो ये नेगेटिव साइन भी मैं आपको जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो साइन जो है वो नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा आगे जो है हमने अब जो है वो इस म्यू को कैलकुलेट करना है ठीक है और जब म्यू को कैलकुलेट यहाँ से करेंगे यही सारे जो प्रोसेस है हम करेंगे लेकिन जो लेक्चर है वो थोड़ा लेंथी हो चुका है फिल वक्त तो इस सारे म्यू को कैलकुलेट करने से फिर म्यू को हम बताएंगे कि म्यू कांस्टेंट है फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं और फिर जो है हम जो है वो एट दी एंड हम इस बात को देख लेंगे कि हमारा जो है वो कैसे जो है वो कन्फाइनमेंट होती है प्लाज्मा जो है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैप हो जाता है तो वो जो है बेटा हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्योंकि ये लेक्चर जो है वो आधे घंटे से आई होप सो ज़्यादा हो चुका होगा तो फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि एडिटिंग करने के अंदर अपलोड करते हुए मसला होता है तो जिस वजह से मैं आपके यहीं पर आज का लेक्चर जो है वो छोड़ रहा हूँ यहीं से आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे